सब्सक्राइब करें बस स्टडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस रेटेक। गाइस, कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि आप फोटोशॉप की हेल्प से कैसे अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्सर डिजाइन कर सकते हैं और उसका यूज ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको एक वीडियो में यह भी बताया था कि आप एनिमेटेड कर्सर डाउनलोड करके कैसे यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक कस्टमाइज एनिमेटेड कर्सर डिजाइन कर सकते हैं अपना खुद का। जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल कर्सर हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे और ये डिपेंड करता है आपके डिजाइनिंग कि आप एक कितना बेहतरीन कस्टम एनिमेटेड कर्सर डिजाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक डेमो के तौर पर देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर यहाँ पे एक कर्सर देख रहे हैं, ये मैंने एक ऐसा ही बेसिक कर्सर डिजाइन किया था। इसको कैसे यूज करें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल में गए और यहाँ पे माउस हमने सर्च करा और माउस सेटिंग में हम आ गए। माउस सेटिंग में पॉइंटर्स, ठीक है, पॉइंटर्स में हम ब्राउज में गए, ब्राउज में गए, डेस्कटॉप पे हमने ये कर्सर सेव कर रखा है और ये animation.ani ओपन करा, अप्लाई करा और आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर कुछ इस तरीके से एनिमेट कर रहा है, तीन रंगों में चेंज हो रहा है लगातार। ठीक है, ये एक तरह का एनिमेशन आपको शो हो रहा है, एक बेसिक लेवल का एनिमेशन हमने यहाँ पे क्रिएट करा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ओके कर देते हैं तो ये कर्सर अप्लाई हो जाता है हमारे सिस्टम में और हम इसको हर जगह यूज कर पाते हैं। तो ऐसा ही एक बेसिक एनिमेटेड कर्सर हम यहाँ पे डिजाइन करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। कर्सर एनिमेशन के लिए हम फोटोशॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा एनिमेशन फाइल को सेव करने के लिए। यहां पर आज मैं आपको इस वीडियो में एक डेडिकेटेड टूल बता रहा हूं जिसको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्सर डिजाइनिंग। क्या है उस टूल का नाम? उस टूल का नाम है रियल वर्ल्ड कर्सर एडिटर। ठीक है, इसको आप इस लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, rwdesigner.com कर्सर मेकर। मात्र 7.6 MB का टूल है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये आइकन डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कर्सर डिजाइन करने के लिए। डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ ये टूल भी मिल जाएगा डायरेक्ट डाउनलोडिंग के लिए। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस टूल को यूज करेंगे और एक कर्सर यहाँ पे डिजाइन करते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इस टूल को। डबल क्लिक करके हमने रियल वर्ल्ड कर्सर एडिटर टूल को ओपन कर लिया है। फर्स्ट इंटरफेस आपका कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, जिसमें आपके पास फाइल व्यू टूल्स हेल्प और यहाँ पर बीच में आपके पास कुछ ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। इन ट्यूटोरियल्स का यूज ले सकते हैं आप ऑनलाइन, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप इस ट्यूटोरियल का यूज ले सकते हैं जिसमें आपको कर्सर एनिमेट करना, कर्सर क्रिएट करना सब कुछ सिखाया हुआ है। यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट, ओपन, रिसेंट, कस्टमाइज ये सब ऑप्शन आ रहे हैं। हम यहाँ पर न्यू कर्सर क्रिएट करने वाले हैं तो क्रिएट का यूज लेंगे। क्रिएट बटन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, न्यू माउस कर्सर या फिर कर्सर फ्रॉम इमेज। इमेज से अगर आप किसी इमेज का यूज करके कर्सर डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसका यूज लेंगे और न्यू माउस कर्सर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसका यूज लेंगे। ठीक है, तो हम न्यू माउस कर्सर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट का बटन आ रहा है, इस क्रिएट के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कैनवास साइज आ रहा है 32x32 ही रहेगा, 32 bit का हम यहाँ पे कैनवास यूज करेंगे जैसे कि मैंने आपको फोटोशॉप वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, इस पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, कैनवास आ जाएगा यूज करने के लिए, ऊपर टूल्स आ जाएंगे यूज करने के लिए और राइट हैंड साइड में लेयर्स एंड एडिटिंग टूल्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास प्रीव्यू आता है, जिस तरह का आप कर्सर यहां से डिजाइन कर रहे हैं वो आपके पास प्रीव्यू यहां पर आ जाता है, आपको दिखाता रहता है। नीचे आपके पास एक अलग से फ्रेम आ रहा है जिसमें आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल हम यहाँ पे एक सिंपल एरो क्रिएट करते हैं। जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, सबसे पहले आप लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सिंगल ब्लैंक लेयर क्रिएट आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है मेक एरो इमेज, मेक एरो इमेज का यूज लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर मेरे पहले के कर्सर यहाँ पे आ रहे हैं, सपोज इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप एरो में टेल देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एरो टेल साइज करेंगे। ठीक है, सपोज मुझे इस तरीके का टेल पसंद है जिसमें टेल ही नहीं है तो वो मैं करूंगा। एरो हेड साइज, कितना बड़ा एरो आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सपोज मुझे मीडियम एरो चाहिए तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको साइज कर दिया, साइज सेट कर दिया। एरो डायरेक्शन, अगर आपको सीधा एरो चाहिए तो इस तरीके से आएगा, अगर आपको अप राइट एरो चाहिए यानी कि उल्टी तरफ का एरो चाहिए तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एरो यहाँ पे डिजाइन करते हैं। इसके बाद आउटलाइन कलर, अगर आपको सपोज कुछ और आउटलाइन कलर चाहिए, सपोज ब्लू चाहिए तो आप ब्लू यहाँ से सेट कर सकते हैं, रेड चाहिए तो रेड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई कलर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिल कलर में आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप यहीं की यहीं फिल कर सकते हैं। सपोज मैं इस बार कुछ और कलर चूज कर लेता हूं, ठीक है, ब्लू
ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी कलर जो आ रहा है वो उसमें शेड देने के लिए आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू के साथ व्हाइट मिक्स है, अगर आप सेकेंडरी भी अगर आप सेम दे देंगे तो वो कंप्लीट मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से शेड दे सकते हैं, अपने आउटलाइन विड्थ अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो इस तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैंने एक ब्लू चूज कर लिया है और इसको हम ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से कर्सर आ जाता है। इसका जो हॉटस्पॉट पॉइंट है यहाँ पर, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। यानी कि आपका जो माउस का जो फर्स्ट पॉइंटर होता है जब किसी बटन पे जाता है तो वहीं से क्लिक होता है, इसमें आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि फोटोशॉप में आपको ये चीज सेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर ये कंप्लीट सेटल्ड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर आपके पास कुछ टूल्स आ रहे हैं ऊपर, सपोज इसमें आप बीवल जो इफेक्ट है वो आप देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं इसमें, यानी कि 3D इफेक्ट्स आप कुछ दे सकते हैं इसमें। जैसे ब्लू कलर में आपको इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हल्का सा इसमें कुछ 3D इफेक्ट सा नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आप ओके कर देंगे तो आपका जो कर्सर है कुछ 3D टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फ्रेम हो गया और ये फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है। इसमें सपोज आप एक और फ्रेम, जब आपको एनिमेशन क्रिएट करना है तो आपको फ्रेम बाय फ्रेम उसमें वर्क करना पड़ेगा। तो अब आपका सपोज पहला फ्रेम ब्लू है तो नेक्स्ट फ्रेम अगर आपको अलग कलर का चाहिए तो हम यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे और एक फ्रेम इसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। फ्रेम हमने इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, अभी सेकंड फ्रेम पे कुछ नहीं है तो ये सिर्फ ब्लिंक कर रहा है, तो हमें सेकंड फ्रेम पे भी एरो चाहिए, ठीक है। तो सेकंड फ्रेम पे यहाँ पर हम वापस से मेक एरो शेप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एरो शेप आ रही है, इस बार हम फिल कलर कर देते हैं सपोज रेड या फिर ऑरेंज, ठीक है। सेम सेटिंग रहने देते हैं, ओके कर देते हैं, देन बीवल इफेक्ट दे देते हैं इसमें, कंप्लीट एंगल पहले से सिलेक्टेड है, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर इस एरो को कुछ इस तरीके से ये आपको शो हो रहा है। अगर आप एक और फ्रेम चाहते हैं, ठीक है, इस पर हमने क्लिक करा, एक और एरो सिलेक्ट किया, इसका हमने कलर चूज कर लिया येलो, ठीक है, ओके बटन पे क्लिक कर दिया क्योंकि सेम सेटिंग हमको चाहिए। इसको हमने इस तरीके से 3D इफेक्ट दे दिया और बीवल, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस तरीके से आपको प्रीव्यू शो हो रहा है और इस टेस्ट एरिया में आप आते हैं अपने एरो को लेके, तो जैसे कि मेरा एरो भी ये है और टेस्ट एरिया में मेरा एरो कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर एरो मेरा कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो एरिया है आप खाली है तो आपको हर फ्रेम बाय फ्रेम लेयर पर आपको यहां पर डिजाइन करना होगा जिस तरीके से फोटोशॉप में करते हैं। तो यहां पर भी हम बेसिक लेवल का एरो डिजाइन कर रहे हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट इसमें ऐड नहीं कर रहे, जस्ट आपको एक बेसिक लेवल का एरो एरो यहां पे क्रिएट करके बता रहे हैं। यहां पे सपोज आपको और कलर चाहिए तो आप इसमें एक और ऐड करें और मेक एरो शेप, यहां पर कोई और आपको कलर चाहिए तो सपोज मैं यहां पर ये कलर ले लेता हूं, ठीक है, ओके, देन बीवल शेप, देन ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए कुछ इस तरीके का आपका एनिमेशन यहां पर आ रहा है और यहां पर इस तरीके का कर्सर शो हो रहा है। यहां पर आपके पास कुछ अदर इफेक्ट भी मिल जाते हैं आपको, अगर आपको एनिमेटेड फायर एरो चाहिए तो आप इसका यूज ले सकते हैं, अगर आपको एनिमेटेड स्पिनिंग व्हील चाहिए तो आप यहां पर यूज ले सकते हैं, एनिमेटेड डॉट्स चाहिए तो वो, और क्लॉक चाहिए तो यहां से आप यूज ले सकते हैं इन पे जस्ट क्लिक करके। तो मैं समझता हूं कि मेरा जो एनिमेशन है वो अभी फिलहाल के लिए काफी है, ठीक है। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन चल रहा है, एक के बाद एक फ्रेम यहां पर आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है, इसको स्टॉप करेंगे तो यहां पर स्टॉप हो जाएगा और इस तरीके से रन होता रहेगा। चलिए अब इस कर्सर को सेव कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे, देन आपको जस्ट सेव एज करना है, सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपना कर्सर सेव कर सकते हैं। यहां पे देखिए आप जो फाइल नेम यहां पे सेव हो रहा है वो .ani, यानी कि ये कर्सर सपोर्टेड एक्सटेंशन है जिसमें ये सेव हो रहा है और हमको यही एक्सटेंशन चाहिए होता है। तो एक परफेक्ट टूल है कर्सर एनिमेशन करने के लिए, साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल कर्सर डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कर्सर का सपोज रेनबो कर्सर मैं नेम दे देता हूं क्योंकि काफी सारे कर्सर यहां पर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो rainbow.ani, और इसको मैं सेव कर देता हूं जहां पर सभी कर्सर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल रहते हैं, सी ड्राइव में, यानी कि जिस ड्राइव में आपकी विंडोज इंस्टॉल है उस ड्राइव में, विंडोज में गए, विंडोज में जाने के बाद आपके पास यहां पे कर्सर्स नाम से एक फोल्डर आएगा, ये कर्सर्स नाम से आ गया और इसमें हम ओके करके इस फाइल को सेव कर देते हैं, देन यस और यस। इस तरीके से हमने कर्सर्स नाम के फोल्डर में अपना न्यू कर्सर सेव कर दिया। चलिए चेक करते हैं कि हमारा कर्सर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। कंट्रोल पैनल में जाके वापस से हम माउस सेटिंग में जाएंगे, माउस सेटिंग में जाने के बाद पॉइंटर्स आएगा, पॉइंटर्स में हम यहां से ब्राउज करेंगे। कर्सर को आप अपने जो सी ड्राइव में विंडोज में आपको कर्सर्स फोल्डर मिलता है आप उसी में रखें, अदरवाइज अगर आप कहीं और रखते हैं वो डिलीट हो जाए तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है, या फिर डिफॉल्ट आपके पास कर्सर यहां पर आएगा। तो रेनबो के नाम से हमने सेव कराया, rainbow.ani, ठीक है, यहां पे इसका प्रीव्यू भी बता रहा है,
ओके करते हैं, इसको ओपन कर लिया हमने, अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कर्सर एनिमेशन यहाँ पर चालू हो गया है। और आप देख सकते हैं कर्सर बहुत प्यारा हमारा लग रहा है, एकदम 3D कर्सर लग रहा है और एनिमेटेड कर्सर हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी कर्सर आप डिजाइन कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं कर्सर में अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, लेयर बाय लेयर का यूज करके। आगे आने वाले में शॉर्ट वीडियो आपको मेरी स्टोरीज पे मिलते रहेंगे जिसमें हमने एक न्यू 3D कर्सर्स भी डिजाइन करके आपको बताएंगे। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, एनिमेशन कर्सर आप क्रिएट करने वाले हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।